आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, ये है आपकी प्रॉब्लम। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअली लड़की की सोच कैसी है, आपको बस ये होना चाहिए कि नहीं भाई लड़की हो और मेरी जिंदगी में रहे, भले ही दोस्त या बहन बन के रह ले, लेकिन लड़की मेरी जिंदगी में होगी ना तो मुझे किसी भी तरह की लोनलीनेस फील नहीं होगी। और ये जो आप लड़की की क्वालिटीज को इग्नोर करके उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में आते हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे जो भी हो, यही मेरे भाई आप खुद को बर्बाद कर लेते हो। और आज मैं आपको बिल्कुल यही बताऊंगा कि कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई लड़की एक्चुअली लो क्वालिटी है। लो क्वालिटी का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ बस यही है मेरे दोस्त कि उसकी जो थिंकिंग है वो अभी उस लेवल पे नहीं आई है जहां पे होनी चाहिए। और लो क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है वो चीज आप इस वीडियो के एंड तक जरूर समझ जाओगे, तो लास्ट तक बने रहना, आपकी आंखें नहीं खुली ना तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। भाई देखो एक्चुअली क्या होता है ना, 16 साल से लेके 24 साल तक ये जो एज ग्रुप की लड़कियां होती है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारी, मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत सारी लड़कियों को 50-60 लड़कों से कंटिन्यूस रैपिड अटेंशन मिलता रहता है, चाहे वो उनके सोशल मीडिया पे हो, चाहे कहीं भी हो, कभी भी कोई भी लड़की लोनली नहीं होती है। भले ही वो कैसी भी हो, उसके आसपास आपको हमेशा मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जैसे मधुमक्खी होती है ना, वैसे लड़के मंडराते जरूर मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया ने ये काम और ज्यादा बढ़ा दिया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि क्यों भाई, मुझे भी अटेंशन पसंद है, बट क्यों कोई लड़की उन 50 लड़कों का अटेंशन छोड़ के सिर्फ आपके साथ अकेले बोर हो। और ह्यूमन नेचर में एक चीज फिक्स्ड है कि अटेंशन हमेशा बहुत पसंद आएगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबको अटेंशन पसंद आता है। बट यही चीज हम लड़कों पे भारी पड़ जाती है क्योंकि हम तो ठहरे चूतिए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप गलती से ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो ना, आप अपना टाइम, एनर्जी, प्यार सब बर्बाद कर रहे हो। और अगर आप ऐसी लो क्वालिटी लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब पता है, आई एम सॉरी, आप भी लो क्वालिटी हो, क्योंकि आपके अंदर वो सेंस ही नहीं है लड़की की पर्सनैलिटी को परखने का, जिसके पीछे आप कुत्तों की तरह आंखों पे पट्टी लगा के दौड़ते जा रहे हो, बस मिल जाए किसी तरह। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखो कि उस लड़की को बहुत सारे लड़कों से मिलने वाला बहुत सारा अटेंशन बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो अच्छे दिल के साफ लड़के जो उन्हें पूरी शिद्दत से प्यार करते हैं उनकी गांड पे लात मार देती हैं। और दोस्त ये एक बहुत बड़ा साइन है एक लो क्वालिटी वुमेन का। ऐसी लड़कियां जनरली ना बहुत ज्यादा प्लेजर ड्रिवन होती हैं, इसका मतलब उन्हें छोटी छोटी चीज कहीं भी मिल जाए ना जिससे उन्हें दो पल की खुशी महसूस हो जाए, वो उसके पीछे भाग जाती हैं। और लड़कों में भी ये चीज होती है, लेकिन इस समय बात हो रही है आप जिस लड़की के पीछे भाग रहे हो उसकी। ऐसी लड़कियों को जनरली फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं होती है, ना उनके पास कोई रियल लाइफ का स्किल होता है जिसमें वो लोग माहिर हों, या ना ही उनके पास कोई पैशन होता है। उनको आता सिर्फ इतना है कि आशिकियां कैसे लड़ानी है और लौंडों को अपने पीछे भगाना कैसे है। मैं सही बता रहा हूं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं। उन लड़कियों के दिमाग में ना जाने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है कि वो कंटिन्यूसली आपको अपनी जूती पे रख के इस तरह से खुद को आपसे ट्रीट कराती है जैसे वो कहीं की महारानी हो। और जब तक आप उसे ऐसा महसूस नहीं कराओगे तब तक वो आपको भाव भी नहीं देगी, और अक्सर केसेस में एंड मोमेंट पे आपको रिजेक्ट भी कर सकती है। और इन लड़कियों के मामले में तो मैं सीधा यही बोलूंगा कि ये आपकी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता है कि लड़का इनके लिए टाइम बर्बाद कर रहा है, एनर्जी बर्बाद कर रहा है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो ये सब चीजें करने दे रही हैं, आपको घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ाने दे रही हैं और उन्हें मजा आ रही है इस चीज में। भले ही वो आगे चल के आपकी गर्लफ्रेंड ना बने, लेकिन अभी जो अटेंशन सिर्फ आपसे नहीं, आपकी तरह और 50 चूतियों से मिल रहा है, वो उन्हें महारानी बना रहा है। आप इनके लिए भले कितने भी एफर्ट्स ले लो, ये आपको जरूर फॉर ग्रांटेड लेंगी, ये कभी भी आपके लिए थैंकफुलनेस नहीं दिखाएंगी। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आते हैं, और तब मुझे बुरा लगता है ये चीजें सीधा उनके मुंह पे बोलने के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो सबके लिए नहीं, बस उन्हीं के लिए है, और जो लोग इससे नहीं गुजर रहे हैं उनके अंदर ये सेंस डेवलप कराने के लिए है कि अगर आप देख रहे हो ना कि लड़की के पास्ट में बॉयफ्रेंड्स थे
तो भाई लड़की बुरी नहीं है, लेकिन मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि अगर उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं तो क्या पता आप भी बस ऐसे ही अगले हो। आपने तो अपना पूरा दिल लगा लिया, बट उस लड़की को अच्छी से आता है कि किसी लड़के से मूव ऑन कैसे करना है, उससे आगे कैसे बढ़ना है, और अटक आप जाते हो। तो भाई अगर आप देख रहे हो ना कि कोई भी लड़की एक्चुअली जानती है कि आप उसे बहुत पसंद करते हो, उसके बाद भी आपको अपना दोस्त बना के रखना, आपका टाइम वेस्ट कराना, आपके इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलना एक पपेट की तरह, मेरे दोस्त आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा बट आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा। आपको दो पल की खुशी तो जरूर मिल रही है कि ये लड़की मुझे भाव दे रही है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उस समय आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये 6 महीने 8 महीने आपसे बात करेगी, उसके बाद आपको किसी बहाने से ब्लॉक कर देगी जब ये आपको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुकी होगी, और तब आप वापस उसी स्टेज पे चले जाओगे दूसरी लड़की के साथ, क्योंकि आपने खुद को तो इम्प्रूव किया ही नहीं। तो भाई जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, जब तक आप लड़की को ये नहीं दिखाओगे कि मैं अपनी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं खुद से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करता हूँ, तब तक लड़कियाँ आपको कुचलती रहेंगी। आई एम सॉरी गर्ल्स, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमेन, ओके? क्या बात कर रहे रे बाबा? हाँ अच्छा। तो बस भाई अपनी आंखें खोलो, अभी भी नहीं खुली है तो अभी के अभी खुद को 2 तमाचे मारो। मजाक कर रहा हूँ, असली में मत मारना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था कि एक्चुअली आप 10 मिनट में किसी भी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हो, तो इसके बाद आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि कहीं आप वही गलतियां तो नहीं कर रहे हो ना बार बार, जिसकी वजह से लड़की आपसे और दूर जा रही है, आपको भाव नहीं दे रही है, तो ये वाला वीडियो मेरे भाई जरूर देख लेना। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, और अपने आप को अलर्ट करने के लिए नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा के जाना, और कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, मैं हो सकता है तुम्हारे नाम पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।